हेलो गाइस, मैं जिशान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी मेडिकल्स के इस मेडिसिन रिव्यू चैनल पे। हम आज आपके लिए लेके आए हैं बेटनोवेट सी क्रीम का रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट एंड ओवर द रिव्यू। पेश है आप लोगों के लिए बेटनोवेट सी क्रीम। ये क्रीम बहुत फेमस है। इस क्रीम को भी आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि बेटनोवेट सी क्रीम बहुत ज्यादा ही फेमस क्रीम है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बेटनोवेट सी क्रीम किस किस काम में हम लोग इसे यूज करते हैं और किस किस चीजों में ये हमें फायदा पहुंचाता है। सबसे पहले बेटनोवेट सी क्रीम एक तरीके से फंगल इन्फेक्शन क्रीम है, जो कि हमारे रेडनेस, एक्जिमा, इचिंग, रिंग वर्म्स, स्किन इन्फेक्शन और साथ ही साथ हर तरह के दांत खाज खुजली में ये काम आते हैं। वैसे ज्यादातर जितनी भी तरह के बेटनोवेट क्रीम है, क्योंकि बेटनोवेट क्रीम बहुत सारी तरह की आती है, हर तरह के सॉल्ट के कॉम्बिनेशन में आती है, तो ज्यादातर सबका काम एक तरीके से स्किन इन्फेक्शन के लिए होता है और सभी क्रीम्स के बीच में बहुत ही माइनर सा ही डिफरेंस होता है। तो आने वाले वीडियो में हम आपको सारी क्रीम्स के एक साथ डिफरेंस भी बताएंगे। और बेटनोवेट सी क्रीम साथ ही साथ जो हमारे स्किन में जो फंगस जो फैले होते हैं, वो उस फंगस को ये बढ़ने से ये रोकता भी है बेटनोवेट सी क्रीम। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बेटनोवेट सी क्रीम इन सारी चीजों में हम लोगों को फायदा पहुंचाता है। मेन फायदा तो आप समझ गए होंगे कि ये एक तरीके से स्किन इन्फेक्शन क्रीम है, फंगस इन्फेक्शन क्रीम है। आइए हम आपको बताते हैं कि बेटनोवेट सी क्रीम का सॉल्ट क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है। बेटा मेथासोन एंड क्लियोक्विनोल क्रीम, ये दो सॉल्ट से मिलकर बेटनोवेट सी क्रीम तैयार होता है। अब हम आपको बताते हैं बेटनोवेट सी क्रीम को आखिर किस तरीके से हम लोगों को यूज करना चाहिए। बेटनोवेट सी क्रीम दिन में 2 या 3 बार आप इसको अपने अफेक्टेड एरिया में बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। और ध्यान दें कि जब आप इसको यूज करें तो तब तक इसको अपने अफेक्टेड एरिया में रब करें जब तक आपकी स्किन इस बेटनोवेट सी क्रीम को एब्जॉर्ब ना कर ले। और इस बात का भी आपको पूरा ध्यान देना है कि ये ना सोचें कि जल्दी से फायदा आपको पहुंचने के लिए आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी क्रीम ना लगाएं अपने अफेक्टेड एरिया में, क्योंकि वो एक तरीके से यूजलेस है। ज्यादा क्रीम लगाना इज नॉट वर्थ। अब आइए हम बताते हैं कि बेटनोवेट सी क्रीम के क्या कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। बेटनोवेट सी क्रीम के मेन साइड इफेक्ट्स ये हैं कि मे बी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, मे बी आपकी इचिंग बढ़ जाए, मे बी स्किन बर्न, बट ये बहुत ही रेयरली केस है, 0% चांस फॉर दिस टाइप ऑफ साइड इफेक्ट। अब हम आपको बताते हैं बेटनोवेट सी क्रीम्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस। सबसे पहली चीज कि जब आप बेटनोवेट सी क्रीम को परचेस करें तो इस बात को जरूर देख लें जिस भी शॉप से आप परचेस करें कि ये आपकी क्रीम सील पैक हो। जी हाँ, सील पैक होना बहुत जरूरी है। और इसको ओपन करने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं कि ये आपके कैप में इसको आप इस तरह पुश कर देंगे, इसको आप इस तरह पुश कर देंगे तो ये आपका ये ओपन हो जाएगा। ये क्रीम एक तरीके से एक्सटर्नल यूज के लिए, इसको इंटरनल यूज में ना लें। और इस क्रीम को जब भी आप अपने यहाँ अपने घर पे स्टोर करें तो बिलो 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही स्टोर करें, बिकॉज इसके ऊपर ये क्रीम खराब हो सकती है आपकी। और बट इस क्रीम को स्टोर करने के बाद आप इसको गलती से फ्रीज ना कर बैठे, बच्चों से इस क्रीम को बहुत दूर रखें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बेटनोवेट सी क्रीम आखिर कौन सी कंपनी हम लोगों के लिए इसको मैन्युफैक्चर करती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जीएसके का ये लोगो है, इट मींस दैट ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी है, नाम है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी बेटनोवेट सी क्रीम को मैन्युफैक्चर करती है और इसकी कंपनी बेटनोवेट सी क्रीम का साइज रखी है 30 ग्राम्स और इसकी एमआरपी है 40 रुपए 10 पैसे। हम आपको एमआरपी दिखला देते हैं। जी हाँ, देख लीजिए, 40 रुपए 10 पैसे की कॉस्ट में आपको बेटनोवेट सी क्रीम बहुत ही इजीली हर मेडिकल आउटलेट्स पे अवेलेबल हो जाया करेगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बेटनोवेट सी क्रीम का रिव्यू बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो बेटनोवेट सी के लिए तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने मन की कोई भी दवा के बारे में अगर मुझसे जानना चाहें तो भी आप हमें कमेंट करके इन्फॉर्म कर दीजिए। वी विल डू इट फॉर यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टाइम टू से बाय नाउ। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई दवा के साथ और एक आपकी दवा के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी।